अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पैगेटी बनाते हैं। मैंने जो स्पैगेटी इसलिए ली है वो होल व्हीट स्पैगेटी है। सबसे पहले 100 ग्राम बटर ऐड कर दिया, साथ ही 4 से 5 जो क्लोव्स होते हैं गार्लिक के, वो हल्के से मैंने वो चॉप कर लिए बिल्कुल इस बटर के अंदर। इनको ऐड कर लेते हैं। तकरीबन इसको 30 से 40 सेकेंड कुक करते ही साथ में एक छोटी सी प्याज मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली, बड़ी नहीं ली, एक छोटी प्याज लेके इसको भी चॉप कर लिया। इसको शामिल कर लेते हैं। इसके साथ अब आपने जो सब्जियां इसमें ऐड करनी है वो आप देख लें कि आपने कौन सी ऐड करनी है, अपनी पसंद के मुताबिक 2 से 3 सब्जियाँ आप ले लें। चिकन ऐड करना हो चिकन ऐड कर लें, जो चीज़ आपको पसंद हो उसके मुताबिक कर लें। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर और गाजर वो मैंने ली है। थोड़ी देर प्याज ज़रा लाइट सा हो जाए इसका कलर, तो हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। जब देखें बहुत ज़्यादा कुछ कुक नहीं करना है, इतनी इसकी हो गई। अब हमने सब्जियाँ शामिल कर ली। मैं इसको वाइट सॉस अलग से मैं नहीं बनाऊंगी, वरना तो अलग से अगर मुझे बनानी होगी तो मैं बटर के अंदर जो है वो फ्लावर 2 चम्मच ऐड करके उसको अच्छे से भून के और फिर उसमें मिल्क ऐड करेंगे तो वाइट सॉस बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने होल व्हीट स्पैगेटी ली है तो स्पैगेटी के अंदर जब मैं स्पैगेटी को दूध के अंदर पकाऊंगी तो उसमें भी वो सॉस वाली वो बन जाएगी, क्योंकि इसका जो स्टार्च वगैरह होता है वो सब जब निकलता है तो वो थोड़ी थिक हो जाती है। तो इसे मैं अलग से वाइट सॉस नहीं बनाऊँगी, बस एक पैन में मैं आपको ये बनाऊँगी बताती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है और फिर एक पैन के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर सब्जी में मैं नमक 1 छोटी चम्मच है, काली मिर्च ये भी 1 छोटी चम्मच है, यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी और 2 कप दूध के शामिल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चिली फ्लेक्स हैं वो भी मैं 1/2 टीस्पून वो ऐड कर दूंगी, ओरिगेनो लीव्स वो मैं तकरीबन 1 टीस्पून की वो ऐड कर दूंगी, और साथ ही स्पैगेटी जो है वो मैंने एक बाउल में वो लेके रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक ये स्पैगेटी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाए।
अब हम इसको ढक्कन हटा के पकाते जाएंगे। इतनी देर तक आप पकाएंगे कि जितनी आपको थिकनेस इसकी चाहिए हो, जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हो, तब तक के ये स्पैगेटी भी बीच में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दूध को बॉयल आ चुका है। अगर हम अब ढक के पकाएंगे तो वो सारा बाहर निकलेगा। इस वजह से अब हम हटा के ढक्कन और इसको पकाते रहेंगे। अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, अगर आपको सॉल्ट पेपर कुछ भी ऐड करना हो अपने टेस्ट के मुताबिक तो वो ऐड कर लें। अभी मुझे मुकम्मल जो है वो स्पैगेटी सॉफ्ट नहीं लगती, लेकिन ये सॉस इसकी थिक हो गई है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करके और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जितना मुझे सॉफ्ट रखना है उतना हो जाए, क्योंकि ये फिर पानी इसमें ड्राई हो जाएगा। मैंने थोड़ा नमक मिर्च भी ऐड किया और थोड़ी मैंने पानी भी ऐड करके इसको मैं पकने दूँगी। रेडी हो गई। अब हम इसको चूल्हे से हटा लेते हैं, सर्व करते हैं।